कहीं देखी है ऐसी शादी, सपनों को एयरलिफ्ट, हेलीकॉप्टर से 7 जन्मों के रिश्तों की हुई शुरुआत, झांसी में उड़न खटोले से हुई दुल्हन की विदाई, पिया के साथ जिंदगी के सतरंगी सफर की शुरुआत, 7 जन्मों के साथ का आगाज, वो भी हवाई सफर के साथ। बुंदेलखंड में ये किसी के लिए भी ख्वाब जैसा है, लेकिन अपनी दुल्हनिया के लिए ये सब कर दिखाया है झांसी के मोंट इलाके में रहने वाले दीपेंद्र यादव ने। दीपेंद्र गरीब किसान की बेटी पूनम से बचपन से ही प्यार करता था, और वक्त आने पर जब दोनों ने घर वालों से बात की तो घर वालों ने भी रजामंदी दे दी। शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन विदाई की रस्म यहाँ के लोगों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं थी, क्योंकि विदाई के लिए पालकी या कार नहीं, हेलीकॉप्टर उतरा। और जब विदाई के लिए दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा तो परिजन आंसू रोक नहीं पाए। झांसी में समाजवादी पार्टी के युवा नेता कस्बा मोहट के दीपेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य हैं, जो आज उनका हेलीकॉप्टर से अपनी पत्नी को यहाँ पे लेने आए हुए हमारे साथ दीपेंद्र यादव हैं, इनसे जानकारी। दीपेंद्र यादव जी, ये बताइए, आपने कब सोचा था ये हेलीकॉप्टर से हम अपनी पत्नी को विदाई करेंगे? हम पहले से सोच के रखे थे। क्या 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 मन में था? बस जब हमारे भाई की शादी हुई थी तब सोचा था, और पहले से मन बनाए थे। तो आप कहाँ कहाँ ले जाएंगे इसको, कहाँ कहाँ घुमाएंगे इसको? ये हमारा ओरछा होते हुए सीधा कुमलार उतरेगा। कुमलार जाएंगे जी। दुल्हन भी है, दुल्हन से हम पूछेंगे। दुल्हन, आप ये बताइए, जिस तरह जिस प्रकार से तुम्हारी पति ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है आपको ले जाने के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे दीपेंद्र यादव का कहना है कि हमारे परिवार में जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा हमेशा चलती रही है। दीपेंद्र अपनी अर्धांगिनी पूनम को हेलीकॉप्टर में बिठाकर उड़ गया, और लोग इस जोड़ी को आसमान तक निहारते रहे, किसी ख्वाब की तरह, प्यार की नई दास्तान की तरह। SS झा, नेशनल वॉइस, झांसी।